का अप्रूवल भी मिल जाएगा। और देखिए ये जो मूव है डीओटी की तरफ से वो साफ साफ दर्शा रहा है कि किस तरह से सीरियसनेस है इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। आपको याद होगा पिछले सितंबर में इस कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि करीब 25,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग वो करने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से फंड रेजिंग जो है वो अटकी थी क्योंकि ये कंपनी काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी सारे पी प्लेयर्स से लगातार बात कर रही थी फंड रेजिंग के लिए, लेकिन क्योंकि इसके लिए आपको सरकार का अप्रूवल चाहिए रहता है और वो लंबे समय से नहीं मिला था, इसके लिए कहीं ना कहीं ये मामला अटका हुआ था। तो आप ये समझ लीजिए 25,000 करोड़ के आसपास का ये फंड रेजिंग करने वाली थी, उसमें से 18,000 करोड़ के आसपास जो है वो तो FDI का ही अप्रूवल मिल चुका है। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि 7,500 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग जो है ये लोकल प्लेयर से करने वाली है। यानी कि एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कुल 25,000 आसपास की जो फंड रेजिंग थी उसके लिए ये कंपनी आगे चल पड़ी है। दिखाई देगी 58,000 करोड़ के आसपास का AGR ड्यूज है, तो उसको भरने के लिए एक रोड मैप जो है इस कंपनी के लिए अब पूरी तरह से तैयार होते हुए नजर आ रहा है। ओके, रोड मैप बनता हुआ नजर आ रहा है और फंड रेजिंग की जो रिक्वायरमेंट थी जो बाजार बहुत क्लोजली देख रहा था वो यहाँ मंजूरी आना मतलब कंपनी के लिए एक अच्छी खबर। तो ये देखिए स्टॉक में भी आज एक्शन दिख रहा है, 4%, 4.5% की तेजी के साथ फिलहाल वोडाफोन आइडिया ट्रेड करते हुए इस खबर के चलते। चलिए आगे।